खबर रीवा जिले से है, जहां अमानत में खयानत करने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। मामला मध्य प्रदेश स्टेट वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन का है। बताया जाता है कि पीटीएस रीवा में संचालित वेयर हाउस से लगभग 596 क्विंटल गेहूं बाजार में बेचा गया था, जिसकी शिकायत प्रबंधक के द्वारा की गई थी। उक्त मामले की जांच कर दोषी पाए गए 3 आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अमन शुक्ला, देवान शुक्ला और नागेन सिंह के खिलाफ प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के द्वारा आरोपियों के खिलाफ अमहिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। FIR दर्ज होने की भनक लगते ही आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। बताया जाता है कि लाखों रुपए का कीमती गेहूं आरोपियों ने बाजार में बेचकर धोखाधड़ी की थी, जिनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दिया गया है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।